जम्मू कश्मीर कैडर के 2007 बैच आईपीएस डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को गोरखपुर के एसएसपी का कार्यभार ग्रहण किया। जम्मू कश्मीर से प्रतिनियुक्ति पर यूपीआई डॉक्टर सुनील गुप्ता अभी तक डीजीपी मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत थे। आईपीएस सुनील गुप्ता का जन्म लखनऊ में 15 दिसंबर 1976 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में हुई। ये 2017 में एसएसपी जम्मू रह चुके हैं। इसके पहले ये एसपी लेह भी रहे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत श्रीनगर से की थी। इनकी गिनती व्यवहार कुशल, जमीनी स्तर पर उतरकर काम करने वाले, व्यवहारिक और जनता से जुड़कर काम करने वाले अफसरों में होती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा। नवागत एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, और हम खुद ही आज सामने हमारे पास आ गए हैं, तो मैं हार नहीं सकता। मेरी टीम मेरे सामने बैठी है, अभी मेरे को आए हुए कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर के लिए जितना भी संभव हो सकेगा तन मन धन से पूरा प्रयास करूँगा, और यहाँ की पुलिस व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था अपना पूरा योगदान, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि जो जितना भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और जो प्रोग्राम प्रभावी रूप से बने हैं पुलिसिंग के तहत, वो सभी विषय से हम लागू करेंगे, और सबके माध्यम से मैं अपनी सामान्य जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि वो हमें पूरी तरह से अपना सहयोग दें, और शहर की कानून व्यवस्था, अपराध व्यवस्था में भरपूर सुधार करने की कोशिश करेंगे, और अपराध को न्यूनतम लाने की कोशिश करेंगे। यातायात व्यवस्था जितना हमारा संभव है पूरा तरह सुधार करने की, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पहले से जो हमारे से सीनियर एसपी साहिबान वहाँ पर थे, सबकी जो भी प्राथमिकता है और सरकार की जो भी प्राथमिकताएँ हैं और जनता की जो भी प्राथमिकता है, उन पर हम पूरी तरह से लगन के साथ डिवोटेड होकर के उस पर काम करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। कारागार प्रशासन सुधार सेवाओं में भी जेलर के रूप में नौकरी कर चुका हूँ 5-6 साल यूपी में ही, और 2007 में मैं JNK कार्डर से IPS हूँ। वहाँ मैं श्रीनगर में पोस्टेड रहा हूँ, CTSP श्रीनगर रहा हूँ, CO में किश्तवाड़ रहा हूँ, फिर SP किश्तवाड़ रहा हूँ, SSP ले रहा हूँ, SSP जम्मू रहा हूँ, और अभी SP CID भी था कश्मीर की, और मैं DIG रेंज बारामूला भी था वहाँ पर पिछले 3 महीने से। उसके बाद से मैं यहाँ पर आपके सामने पिछले 3 महीने से SP कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का कार्यभार ले रहा हूँ, और आज मुझे सरकार ने ये अवसर दिया है आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके सामने। जी, मैं उसी कार्डर का अफसर हूँ, क्योंकि अभी टू अर्ली कर सकता हूँ है। देखिए, जनता में रहा हूँ लेकिन पुलिस नहीं, जनता के रूप में मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरा उत्तरदायित्व और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारे हैं, तो ऐसे जनता के चश्मे से मैं नहीं देख के बता सकता आपको। ऐसे अवसर जब तक देखूंगा नहीं तब तक कुछ कहना उचित, कंपेरिजन हमें नहीं चलना चाहिए। हर जगह की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर जगह का वातावरण अलग है। जिस प्रकार
धर्म की एक परिभाषा है, जो जिस धारण करने योग्य हो वही धर्म है, समय और स्थान के अनुरूप। तो समय और स्थान ही हमारी गति को तरह से कोशिश करेंगे, जो भी यहाँ पर की समस्याएं हैं जो पुलिस ने और मूलभूत ढांचा मूलभूत कार्य लगभग बराबर ही होता है, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ ज़्यादा है, कुछ समस्या ज़्यादा है, काम भी वहाँ ज़्यादा है और यहाँ काम की क्वालिटी ज़्यादा है, यहाँ हमें ज़्यादा क्वालिटी वाला काम करना है और सीधे जनमानस से जुड़े हुए करके काम करना है, आप लोगों का साथ काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है, समाज सेवा का मन में पहले से ही बचपन से ही रहता है, देश सेवा के लिए आकर्षण हर नौजवान जो भारत का एक नौजवान है सभी के अंदर होता है, किसी किसी को अवसर मिल जाता है, तो मुझे लगा कि पहले एक देश सेवा का अवसर मिलना चाहिए।